Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yeah.
किशन जी, आप ही का इंतजार था। कहिए क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? पीने पिलाने की किसी फुर्सत है कमिश्नर साहब? मेरी 40 जासूसों की फौज नीचे तैयार खड़ी है, जल्दी जल्दी बोलिए काम क्या है। आप तो जानते हैं गोपीचंद जी, आजकल बाहर के मुल्कों में चांदी का भाव बढ़ गया है, स्मगलिंग ने जोर पकड़ लिया है, इसीलिए आपकी मदद की सख्त जरूरत है। स्मगलरों को पकड़ने में वक्त नहीं लगेगा, मगर वो जो मैंने सोने की मूर्ति पकड़ी थी उसकी कमीशन का क्या हुआ? उस मूर्ति के कमीशन का 10 लाख रुपए का चेक तैयार है, ये लीजिए। सिर्फ 10 लाख? ये क्या कमिश्नर साहब, इतनी मामूली सी रकम से तो मेरी फौज का खर्चा भी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा काम और गोपीचंद जासूस की फीस सिर्फ 10 लाख रुपया? बारे ऊपर वाले, सपनों में तो लाखों दिलाता है और असलियत में। चल गोपीचंद जासूस, शुरू हो जा। क्या बात है, वाह। मैं क्या सोने हो, जरा शक्ल तो दसते जाओ। ये रहा 5 रुपया और मेरे पास तो 10 का नोट है। छुट्टा नहीं मेरे पास। एक्सक्यूज मी, आपके पास 10 रुपए का छुट्टा होगा? 10 रुपए का छुट्टा? आपके पास 60 पैसे होंगे? पैसे? पैसे, इतने पैसे तो जरूर होंगे। ये लीजिए 10 और ये 50। शुक्रिया। मैं अभी इसे छुट्टा करा था। इतने पैसे तो मैं फीस में एडजस्ट कर लूंगा। आप आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ बोलिए, आपका नाम? बेला। बाप का नाम? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए बेला जी, आप आइए गोपीचंद जासूस के दफ्तर। ये जासूस जब तक आपका नाम अता पता ठिकाना ना पूछ ले, कंप्लेन लिखता ही नहीं है। लेकिन मेरी तो कोई कंप्लेन है ही नहीं, मैं तो नथुराम है कटर की दुकान ढूंढ रही थी। सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले दिया आपने? अजी उसके यहाँ तो गधे भी अपनी मूछ कटवाने नहीं आते, उससे अच्छी कटिंग तो मैं कर लेता हूँ। हाँ देखिए देखिए, मेरे पास तो कैंची भी है, मेड इन जापान। हो जाऊं शुरू? जासूस जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। उसने अखबार में इश्तिहार दिया है कि वो अपनी दुकान बेचना चाहता है और मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप, उस दुकान को तो मैं खरीदना चाहता हूँ। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी कॉम्पिटिशन में मत आइए। अच्छा मान लीजिए हम कॉम्पिटिशन में नहीं उतरते और वो दुकान आपको मिल जाती है, ये बताइए वहाँ पर आप मर्दों के बाल काटिएगा या औरतों के? जी हाँ, मैं वहाँ ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, ओनली फॉर लेडीज। ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज? जी हाँ। यानी कि जवान और खूबसूरत बनाने की जगह और सिर्फ देवियों के लिए? तब तो हमारी दूरबीन के भाग्य खुल गए। दूरबीन के भाग्य? मैडम ये जासूसी भाषा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको नथुराम की जगह पर खुद ले चलता हूँ। चलिए। लेकिन सुनिए, नो कॉम्पिटिशन प्लीज। नो कॉम्पिटिशन, चलिए चलिए चलिए। आइए आइए, ये रही दुकान। अरे ओ नथुराम जी, आपके लिए ग्राहक लाया हूँ। मैडम नथुराम जी की दुकान इतनी लकी है, हर वक्त यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस वक्त तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अरे इस वक्त नथुराम जी का लंच टाइम है ना, लंच टाइम में ये काम नहीं करते। दुकान देखिए दुकान देखिए। ठीक है, मुझे दुकान पसंद है। रकम कितनी होगी? गोपीचंद जी 5 बरस पहले मैंने ये दुकान 35,000 रुपए में खरीदी थी और अब इसकी कीमत डबल हो गई है। डबल? 35,000 का डबल यानी कि 70,000। ठीक है 70,000, उसमें से 40,000 डिप्रिसिएशन का काट दो, रह गया 30,000। 30,000 में दुकान काहे का कट गया? अरे डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन नथुराम जी, घिसाई घिसाई। इनकम टैक्स नहीं देते हो ना, तो इसलिए डिप्रिसिएशन का मतलब नहीं जानते। हमसे पूछो जो इनकम टैक्स देते हैं। डिप्रिसिएशन 40,000 रुपया काट के 30,000 में आपकी दुकान। पर ये 30,000 तो बहुत कम है, 35 ही दिलवा दो जो मैंने खर्च किए हैं। मुझे 35 मंजूर है, एक हफ्ते में पेमेंट करके मैं दुकान का कब्जा ले लूंगी। थैंक यू वेरी मच गोपीचंद। नो मेंशन, आई नो व्हाट थैंक यू फॉर, नॉट कॉम्पिटिशन। मेरे साथ पैसे मैडम। अच्छा रहने दीजिए, आपके पास तो है ही नहीं है, फिर कभी ले लेंगे। अब तो आप हमारी पड़ोसन है, हमारी पड़ोसन। गुड
मॉर्निंग बेला जी। गुड मॉर्निंग शीला। डैडी कहाँ है? वो किसी कस्टमर के साथ लॉकर रूम में गए हैं। अच्छा थैंक यू। हरी राम, 25 साल के बाद अफ्रीका से आए हो और आए भी तुम उस बैंक में जहाँ मैं मैनेजर हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। खैर ये बताओ बाल बच्चे कैसे हैं? अरे गधारी लाल, तुम बाल बच्चों की बात कर रहे हो, मैंने तो शादी नहीं की। शादी नहीं की? तो ये दौलत जो लॉकर में जमा कराने के लिए आए हो किसके लिए है? साथ लेके जाने वाले हो क्या? अरे भाई साथ लेके को गया है जो मैं ले जाऊंगा। मेरा एक रिश्तेदार है जो मेरे अफ्रीका जाने के बाद पैदा हुआ। अच्छा, बस उसी की तलाश है। जैसे ही मिल जाएगा नौकर की चाबी उसके हवाले कर दूंगा। सिर्फ चाबी देने से ही काम नहीं बनेगा सरकार, यहाँ आकर कागजात पर दस्तखत भी करने पड़ेंगे। दस्तखत भी कर देंगे, उसमें कौन सी बात है? लॉकर नंबर 133। ये लो हरिराम, ये रहा तुम्हारा लॉकर। लाइयो वकील साहब, विलो बैग। ये रही विल और ये बैग। ये देखो, प्योर अफ्रीका कमाल। कितने का हुआ? वाह, होंगे कोई 40-50 हजार रुपए के। बस वही रहे ना बैंक के मैनेजर, 50 लाख के हैं, 50 लाख। लो हमने ही रे जो आराध कहाँ देखे हैं भाई, हमने तो नोट ही गिने हैं सारी उम्र। अरे बेला बेटी, तुम यहाँ बैंक कैसे चली आई? कोई खास बात है? डैडी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिस दुकान की मुझे तलाश थी वो मिल गई है और सौदा 35 हजार में हुआ है। आप तो जानते हैं मेरा बैंक बैलेंस 20 हजार है, रहा 15 हजार, उसका लोन आप सैंक्शन करवा दीजिए। वो तो ठीक है बेटी, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तुम जवान हो गई हो, तुम्हारी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। डैडी शादी की बात घर पे, यहाँ सिर्फ 15 हजार की बात कीजिए। ठीक है बेटी, ये फॉर्म भर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे अरे गोपीचंद जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? मैनेजर साहब, मैं इनका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी होने के नाते ये सब मैं नहीं करूंगा तो क्या बाहर वाले आएंगे? डैडी इन्हीं की वजह से मुझे ये दुकान इतने सस्ते में मिली है और इन्हीं का टेलीफोन नंबर मैंने अपने कार्ड पे छपाया है। अजी ये तो खुशी की बात है, अब रोज आपके टेलीफोन आया करेंगे और रोज मैं यहाँ आपको बुलाने आया करूंगा। ये मशीन पतले होने की मशीन है ना? जी हाँ। बस मैं फिर रोज यहाँ आकर पतला हो जाऊंगा, वर्जिश क्या करूंगा। गोपीचंद जी, आपको जितनी वर्जिश करनी है आप आज कर लीजिए, क्योंकि कल से आपकी एंट्री बंद है। दिस ब्यूटी पार्लर इज ओनली फॉर लेडीज। व्हाट अ ब्यूटीफुल बंकी। ची 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 ची। हेलो, यस गोपीचंद जासूसन कंपनी स्पीकिंग। आप जरा ब्यूटी पार्लर से बिरला जी को बुला देंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे, अभी बुलाता हूँ जी, अभी बुलाता हूँ। व्हाट अ स्वीट वॉइस। I think that's all right now. Okay, thank you. गोपीचंद जी? मैडम वो आपका टेलीफोन आया है, टेलीफोन। हेलो, मैं आपका ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप कोई भी टाइम दे दीजिए। यस वी आर फ्री फ्रॉम 3 to 4, आप कल से आ सकती हैं। थैंक यू। गोपीचंद जी मैं आपको कितनी तकलीफ दे रही हूँ, आपको बार बार मुझे बुलाने आना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मैं तो इंतजार करता रहता हूँ कि कब टेलीफोन की घंटी बजे और मैं कब आपको बुलाऊं। लेकिन अगली बार जब टेलीफोन आए तो आप बाहर से ही मेरी घंटी बजा दीजिएगा, दरवाजा खोलने पर लड़कियां एतराज करती हैं और मेरे बिजनेस में फर्क पड़ता है। जी जी जी, श्योर श्योर श्योर, जैसा आप कहेंगी वैसा। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। नो ट्रबल, नो ट्रबल। टेलीफोन हमारा, बार बार बुलाने जाए हम और हम अंदर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं बेला जी, बाहर का दरवाजा बंद तो अंदर का रोशनदान खुल गया। जी जी बेला जी, कर दीजिए सारे दरवाजे बंद, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पास कई रास्ते हैं। Thank you.
ऐसा लगता है राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं कुश्ती लड़ रही हैं। Me, it's 6 o'clock and we're about to close, okay? Hey? खिड़कियां बंद? यानी कि 6 बज गए? वाह 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 वाह, कमाल है, इतनी जल्दी टाइम पास हो गया? हाँ? अच्छा, okay, bye bye. बीला जी, आप तशरीफ रखिए मैडम, मैं अभी आया। गोपीचंद जी जल्दी आइए ना, जरूरी काम है। हाँ? इन्हें भी आज ही जरूरी काम पड़ना था। कमिंग कमिंग। क्या बात है, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? आपको चोट लगी है क्या? जी चोट चोट नहीं, नहीं नहीं चोट नहीं लगी, वो मेरे पांव भारी हो गए। पांव भारी? और आपके? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप गलत समझ रही हैं। कल दरअसल एक जासूसी एडवेंचर में मुझे 200 गज की ऊंचाई से कूदना पड़ा, पांव सूज गया, सूज गया। तो फिर आप इस तरह के खतरनाक केसेस लेते ही क्यों हैं, जिसमें आपकी जान को खतरा हो? जी, खतरों से खेलना इस जासूस के लिए गुलाब की पंखड़ी तोड़ने के बराबर है। खैर वो छोड़िए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं भी आपको एक तकलीफ देने आई हूँ। जी, आपके लिए तो मैं खतरों के बाहर जा सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा केस खतरनाक नहीं, सीक्रेट है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैडम, क्रैकों के सीक्रेट्स पेट में रख रख के तो इतना मोटा हो गया हूँ, आप बेफिक्री से कह डालिएगा, आपका राज राज रहेगा, मैं भले ही पौना इंच और मोटा हो जाऊं। जासूस जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं जवान हो गई हूँ। वो तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन हम दोनों की बातों पे मत जाइएगा, आप खुद क्या कहती हैं? आप जवान हैं ना? ख्याल तो मेरा भी यही है, इसलिए पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं। जबरदस्ती करना चाहते हैं तो मुझे कहिएगा, कोई ना कोई उल्टे सीधे केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं, वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद मेरी रजामंदी मांगी है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़के का कैरेक्टर चाल चलन पता करके मुझे बता दे, क्या वो शराब पीता है, सिगरेट? बस 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 बस, और बोलने की जरूरत नहीं, गोपीचंद जासूस सब समझ गया है, लेकिन इस रोमांटिक केस की फीस होगी 500 रुपया, 250 रुपया एडवांस और 250 आपकी शादी पर। मगर इस वक्त मेरे पास पूरे 250 नहीं होंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम 500 रुपए एक साथ ही ले लेंगे आपकी शादी पे, और उसमें टैक्सी वाले 60 पैसे भी जमा कर लेंगे। जासूस जी, आप वो 60 पैसे नहीं भूलेंगे। मैडम, गोपीचंद जासूस अगर भूलने लगे ना, तो फिर ये जासूसी का डंडा। आप हंस रहे? ये आवाज, ये धमाका कैसा? अजी, गोपीचंद जासूस जब भी कोई नया एडवेंचर करता है, धमाके के साथ करता है। अब और उसका नाम आता, पता, ठिकाना, टेलीफोन नंबर बताइए। टेलीफोन नंबर 536319, एड्रेस बंगला नंबर 212, पाली हिल बांद्रा। अजी, उसका नाम भी तो बताइए ना। जितेंद्र वर्मा।
हम इस तरह छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? अरे फिक्र क्यों करती हो डार्लिंग, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई हमारे रास्ते में रुकावट ना बन जाए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो फिर डर किस बात का, मैं आज ही अपने पिताजी से बात करता हूँ। और अगर तुम्हारे पिताजी ने इनकार कर दिया तो? इनकार कर दिया तो हम घर से भाग जाएंगे। नहीं डार्लिंग, ऐसा किया तो मेरे यहाँ तो कोई चक्कर ही उल्टा सा है। मगर गोपी चंद जासूस कानों सुनी बात पर एतबार नहीं करेगा, खुद अपनी आंखों से देखेगा। बल्ली राम कमालपुरी, टल्ली राम होशियारपुरी, ये क्या हो रहा है? ये तो चोरी हो रही है। चोरी नहीं, ये सीना जोरी हो रही है और हम दोनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम इसे पकड़ लेंगे और जंजीरों में जकड़ लेंगे। आगे बढ़ो, आगे चलो चलो। अबे वो चोर के बच्चे, नीचे उतर। उतर नीचे। हवलदार साहब मैं चोर नहीं हूँ, जरूरी काम से ऊपर जा रहा हूँ। चढ़ता है पीछे से और कहता है मैं चोर नहीं हूँ। अरे जल्दी करो वरना और ऊपर चढ़ जाएगा। मैं इसे चढ़ने दूंगा तभी ना। हवलदार साहब जी ये क्या किया, मेरे पतलून? बेटे अभी तो पतलून ही उतरी है, अब तुम्हें भी उतारते हैं। पर हवलदार जी मेरी बात तो सुनिए। हमने तो बड़ों बड़ों की बात नहीं सुनी, फिर तू किस खेत की मूली है? हवलदार जी मैं मेरी बात तो सुनिए। अब जो कुछ भी कहना है साहब के सामने जाकर कहना। मेरी पतलून तो दीजिए। पतलून नहीं मिलेगी, क्योंकि मुजरिम को जिस हालत में पकड़ा जाए उसी हालत में साहब के सामने पेश किया जाता है। हाँ चलो। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लिया, घर में चोरी करने वाला एक बहुत खतरनाक चोर पकड़ लिया, जिसके लिए सारी पुलिस परेशान थी। गोपीचंद तू इस हालत में यहाँ? क्या बताऊं खन्ना, एक स्पेशल असाइनमेंट मिला था मगर तुम्हारी ये दो यमदूतों ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया, सारा काम चौपट कर दिया। देखिए साहब हमें यमदूत बताता है, पीछे से बंगले पर चढ़ रहा था और हमने पकड़ लिया। अब ये पक्का डाकू है डाकू। अरे भाई ये कोई डाकू चोर नहीं है, ये गोपीचंद जासूस है, मेरा बचपन का दोस्त। आपका बचपन का दोस्त? अरे आपका दोस्त भला हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। लीजिए जासूस जी अपने पतलून। साहब दोनों लाल रंग की गाड़ियां गोदाम में पहुंच चुकी हैं। अच्छा गोपीचंद मैं जल्दी हूँ, फिर मिलूंगा, बैठो गाड़ी में। हाँ जी चलो जल्दी करो। अरे रोको, अरे ठहरो, अरे ड्राइवर गाड़ी रोको, मैं रह गया। अरे ड्राइवर ए साहब इधर क्या करता है? गुरका जी वो ऐसा ऐसा इधर नहीं पीछे बाजू। हाँ उधर। हाँ अच्छा जी हाँ। मैं उधर जाता जी। जाओ उधर जाता जी। हेलो जितेंद्र वर्मा है। मैं गोपीचंद बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ते से आया हूँ, एक जरूरी काम से आपसे मिलना है। देखिए अब रात काफी हो चुकी है और कल हाँ हाँ कल मैं अपने दोस्त के साथ पूनम होटल में लंच के लिए जा रहा हूँ। पूनम होटल? वाह 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 वाह, मैं भी वहीं ठहरा हूँ, मैं वहीं आपसे मिल लूंगा। तो आप भी खाना हमारे साथ ही खाइए, क्रिस्टल रूम में टेबल नंबर 9 मेरे रिजर्व है। ओके बाय। अरे जीतू कमाल हो गया, सिंगापुर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जो टेंडर भरा था ना वो पास हो गया। ओह दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। हम दोनों को सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर जाना है, देखो मैं टिकट भी ले आया हूं। तब तो भाई साहब कल का प्रोग्राम कैंसिल, नाउ नो टेबल नंबर 9। मगर मुझे तो आपकी नियत पर शक होने लगा है। शक और हमारी नियत? कमाल करती हो जाने मन, ऐसा भी क्या है डार्लिंग, आप तो हमेशा मेरी बात हंसी में टाल देते हैं। मेरी जान हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जैसा चाहोगी जब चाहोगी वैसा ही होगा। मुंह में सिगरेट, हाथ में शराब, बगल में लड़की।
वाह बेटा, चाल चलन बहुत अच्छे। ओहो, इतनी जल्दी भी क्या है? डार्लिंग, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ? बेला जी, ये लड़का तो बिल्कुल आपके काबिल नहीं। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी फीस मारी गई। सर, ये टेबल रिजर्व है। ओह ठीक है ठीक है, हमारा काम हो गया भाई, हम जाता है। डोंट वरी डोंट वरी। गुड आफ्टरनून अंकल, ये आपके लिए ताजा फूलों का गुलदस्ता लाया। थैंक यू प्रेम, तुम कल भी आए थे और आज फिर, ये बार बार तकलीफ करने की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है अंकल? आप जब से अफ्रीका से आए, मैं तो दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। यहाँ हमारे बंबई में एक बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है, मैं चाहता हूँ उस डॉक्टर से आपका फिर से चेकअप करवा लिया जाए। अफ्रीका में कई डॉक्टरों को कंसल्ट कर चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दो अटैक हो चुके हैं, तीसरा कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद असली वारिस के हवाले कर दूं। ओह अंकल, मुझे आपकी जायदाद का कोई लालच नहीं, कोई वास्ता नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल है। और तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरा इतना बड़ा घर होते हुए भी आप इस होटल में ठहरे हुए। अफ्रीका से तो यही सोच के आया था कि अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने भाई की निशानी के साथ गुजार दूंगा, लेकिन यहां आकर तुम्हारी गाली करतूतें सुनी तो इरादा बदल। लेकिन अंकल, मैं सब सुन चुका हूँ, तुम पिछले महीने जेल से छूट के आए। वो तो अंकल, दरअसल बात ये है अंकल कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा खराब और बदमाश आदमी था, उसने मेरे ऊपर एक झूठा केस कर दिया था, वरना मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं किया। ज्यादा सफाई देने की कोशिश न करो, कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा। आपसे देने को कह ही कौन रहा है, आप चाहे या ना चाहे, आपके मर जाने के बाद तो ये सारी जायदाद मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपके इकलौते सगे भाई का इकलौता बेटा हूं और आपकी तमाम जायदाद का इकलौता वारिस। इसका इंतजाम मैंने कर दिया, मैंने अपनी सारी जायदाद किसी दूर के रिश्तेदार के नाम करके वसीयतनामा बैंक के लॉकर में रख दिया है, और यानी उसकी चाबी जो मेरी मुट्ठी में है। गेट आउट एंड डोंट शो मी योर फेस। अंकल, हाँ, ये बुड्ढा तो चल बसा, लेकिन साला मरने से पहले अपनी वसीयत किसी और के नाम करके बैंक के लॉकर में रख गया है, लॉकर की चाबी। द बॉम्बे बैंक लिमिटेड। अरे वो तो होके रहेगा, लो आ गया। प्रेम, अरे भाई चोपड़ा कहाँ चले गए, तुमसे बहुत जरूरी काम है, आओ बैठो। वो दुबई वाली पार्टी ने चांदी मांगी है, मैंने उसका इंतजाम कर लिया। चोपड़ा, मेरे और छोटू के साथ दुबई का एक ट्रिप लगा लोगे ना तो सुखी हो जाओगे और अच्छी खासी रकम हम सबके हाथ लग जाएगी। हाँ। नहीं यार, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। क्यों, क्या तकलीफ है? वो मेरे अफ्रीका वाले करोड़पति अंकल है ना, उनकी अभी भी मौत हो गई। मुबारक हो यार, तुम तो बड़े लकी हो। एक्सलेंट। लेकिन यार एक उलझन है। क्या? वो अपनी तमाम जायदाद मरने से पहले किसी और के नाम कर गया है। यार तुम्हारा अंकल तो साला बहुत चालू निकला, लेकिन वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई और तमाम कागजात बैंक के एक लॉकर में रख गया है और उसकी चाबी मेरे पास है। ये तो यहां भी बैठा है, इसकी फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो हमारी चांदी यही हो सकती है, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा क्या होगा? जितना माँ मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरा, बाकी का आधा हिस्सा तुम तीनों का। ठीक है, हम कल ही बैंक में डाका डाल देंगे। डाका? ये क्या कह रहे हैं आप गोपी चंद जी? इतना ही नहीं बेला जी, वो तो कल किसी बैंक में डाका भी डालने वाला है। वाह 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 वाह, क्या लड़का ढूंढा है आपके पिताजी ने। किस लड़के की बात हो रही है गोपी चंद जी, कौन बैंक में डाका डालने वाला है? अजी वही लड़का जिसकी मंगनी आप बेला जी से कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है,
वो लड़का तो आज सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर चला गया है। देख बेटे, मैं उसकी तस्वीर भी ले आया हूं। अरे ये तो कोई और ही लड़का है। इसका मतलब है मैंने किसी दूसरे लड़के की इंक्वायरी कर डाली। मैं हेड ऑफिस से बात करके सेटल करा दूंगा। हाँ, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। नमस्ते, मैं अंधों की संस्था का चेयरमैन हूँ और ये है सेक्रेटरी मुंशीराम जी। नमस्कार। और कालीधन जी फंड कलेक्टर। नमस्कार मैनेजर साहब। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। हमारी संस्था का अकाउंट तो आपके बैंक में है। अब एक लॉकर की भी जरूरत है, कुछ जरूरी कागजात रख लें। लीजिए, जरूर लीजिए। लीजिए ये फॉर्म भर दीजिए। मिस मीना जरा रजिस्टर देख के बताइए कौन सा लॉकर खाली है। यस सर। सर 136 नंबर का लॉकर खाली है। ठीक है मिस मीना, इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर इनका लॉकर दिखला दो। इतना ही नहीं बेला जी, वो तो कल किसी पैंट में डाका भी डालने वाला है। मिस मीना चाबियां मुझे दो, मैं खुद इनके साथ जाता हूं। आइए यहां सीढ़ियां जरा संभाल के, संभाल के जरा आइए। मैनेजर साहब आपका टेलीफोन आया है, अंबेला जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? जी जी मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ। मैनेजर साहब आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और हालत बहुत नाजुक है। बॉम्बे आगरा रोड पर एक स्कूल बस पलट गई है जिसमें 5वीं क्लास की लड़कियां थी। मैनेजर साहब उसमें एक आपकी बच्ची भी है। आपने खामखा मेरा वक्त जाया करवाया। संभल के बैठिए। ठीक है, संभल के। बहुत जरूरी काम है, अंदर चलिए। मुझसे काम? जी हाँ। आपको? हाँ जी। आइए चलिए आइए, तशरीफ रखिए। जी हाँ। बैठिए। देखिए वो लोग आए और मैं तो कुछ। देखिए बात दरअसल ये है कि अफ्रीका वाले सेठ हरिराम जी का दिल फेल होने की वजह से देहांत हो गया। हरिराम जी का देहांत हो गया? जी हाँ। और प्रॉब्लम ये है जी कि आपके बैंक में उनका लॉकर नंबर 133 उसकी चाबी नहीं मिल रही है, शायद मिसप्लेस हो गई है। तो आप कंपनी वालों से कहकर डुप्लीकेट की के लिए अप्लाई कर दीजिए। मगर उसके बनने में तो कम से कम एक महीना तो लगेगा। हाँ हाँ, जितना भी टाइम लगे लेकिन आप नई चाबी बनवा लीजिए। ठीक है। और जब बन जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि लॉकर हमारी मौजूदगी में खुलेगा। जैसा आप फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक्स अगेन। ओके। इसका मतलब है इस डाके का मेरे सिवा और किसी को इल्म नहीं। लो भाई, हीरे तिजोरी में रख दिए हैं, अब आप अपनी चाबी संभालो। ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी और ये मेरी। देखो भाई, आपने अपनी चाबी को बड़ी हिफाजत के साथ रखना। वो तो ठीक है, लेकिन ये हीरे इस तिजोरी में रहेंगे कब तक?
भाई आज रात को पाशा के बेटे की शादी है, बारात में तो हम लोग जा ही रहे, मौका मिलते ही बात कर लेंगे और सौदा पक्का कर देंगे। यस यू आर राइट गोपीचंद जी, आप ठीक कहते थे। बैंक में डाका पड़ गया और मेरे ही बैंक का एक लॉकर जिसमें लाखों रुपए के कीमती हीरे और जरूरी कागजात थे लूट लिया गया। तीन आदमी अंधे बनकर आए और मुझे ही अंधा बनाकर चले गए। मैनेजर साहब, मैंने तो कल ही आपसे कहा था कि बैंक में डाका पड़ने वाला है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब सबसे पहले हमको पुलिस को खबर करना होगा। मैं नहीं चाहती कि ये खबर पुलिस तक पहुंचे, क्योंकि बैंक में ये जो डाका पड़ा है उसके बारे में डैडी के सिवा और कोई नहीं जानता। लेकिन मैं तो जानता हूं। आप उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने डाका डाला है। अगर आप किसी तरह वो कीमती हीरे और जरूरी कागजात उनसे वापस ले आए और मैं उन्हें फिर से उसी लॉकर में रख दूं तो ही मैं बच सकता हूं, वरना मेरे 30 बरस की नौकरी में पानी फिर जाएगा। 2 ही महीनों में मैं रिटायर होने वाला था, मगर उससे पहले ही जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ओ, अब समझा। आप चाहते हैं कि उस लॉकर का माल उसी लॉकर में वापस आ जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, यानी के आपका काम हो जाए और मेरा नाम भी ना हो। मैडम, गोपीचंद जासूस दाम और नाम दोनों का भूखा है। इस वक्त नाम को आप भूल जाइए, रहे दाम, जितने आप कहेंगे मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी होती तो कम से कम 2 हफ्ते लेती, लेकिन इस जासूस को 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। शौक से लीजिए ना, हमारे पास तो 1 महीने का वक्त है। 1 महीना? एक महीने में तो मैं कोहिनूर हीरा भी वापस ला सकता हूँ। और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ? ठीक है, 1 और 1 11। लेकिन मैडम, फीस 11 हिस्सों में नहीं बटेगी, उसका मैं अकेला ही वारिस हूं। बेला जी, मैंने इसी होटल में उन लोगों को देखा था और मुझे यकीन है उनमें से कोई ना कोई हमें यहां जरूर मिलेगा। ठहरिए, मैं अभी देखता हूं। चांद जैसा हुस्न, क्या टांगे हैं, वाह वाह क्या बदन है। जी साहब जी, ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या करूं बेला जी, एक तो उम्र का तकाजा है, दूसरे आदत से मजबूर हूं। जब भी किसी जवान या हसीन चेहरे को देखता हूं बस दिल मचल उठता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी आप इसी नजर से देखेंगे? ये क्या कह रही हैं आप बेला जी, आप मेरी कस्टमर हैं, कस्टमर तो स्वयं भगवान का रूप होता है, कभी भगवान जी को भी दूरबीन से बुरी नजरों से देखा जाता है। नहीं 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 नहीं, खैर मुझे आप मेरा काम करने दीजिए, समझिए आप। मिल गई, मिल गई। कौन मिल गई? बेला जी, वो देखिए, वो लड़की है ना, ये उसी डाकू के साथ थी। आइए आइए आइए। हेलो प्रेम, कहां से बोल रहे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पहले इस वक्त एक बहुत जरूरी काम में फंस गया हूँ, इसलिए मेरा आना नामुमकिन है। रात को पाशा के लड़के की शादी पर तो आ ही रही हो ना, वही मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आज रात को बारात में मिलेंगे। ओके बाय बाय। कुछ समझी? नहीं तो। उन चारों डाकुओं तक पहुंचने के लिए हमें इस लड़की का पीछा करना होगा। आइए आइए आइए। पाशा जी, बारात निकलने में और कितनी देर लगेगी? बस दूल्हा तैयार हो गए तो चल पड़ते हैं। पर एक बात याद रखना प्रेम, आज मेरे बेटे की शादी है, तुम सब लोगों को नाचना पड़ेगा। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे नाचेंगे कैसे नहीं, तुम्हारे बेटे की शादी है। पाशा साहब, 2 घूंट अंदर जाने दो, भंगड़ा अपने आप चालू हो जाएगा। देखा बेला जी, यही हैं वो चारों बदमाश, अच्छी तरह से देख लीजिए। बस अब ये जंतर मंतर यानी कि वायरलेस माइक्रोफोन इन चारों की जेबों में डालना होगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, ये चारों भी जाएंगे, जो बातचीत करेंगे हमें सुनाई देगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये लोग आपकी सूरत ना देख ना पाए। तुसी घबराओ नहीं सरदार जी, फौजा शुरू हो जान। मैं चट्टी पंजाब की।
आशिक हूँ दिलदार उसन मेरे यार प्यार सिखा दूंगा राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा मैं राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा सुन मजनू के उस्ताद ये रखना यार इश्क भुला दूंगी मैं नंबरदार की छोरी कैद करा दूंगी गोरिये जुल्फ तेरी लहराए गोरे मुखड़े से टकराए जैसे नागिन कोई बल खाए दीन बजा दूंगा राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा मैं राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा जुल्फ तो नागिन है मस्तानी जिसको टसी न मांगे पानी क्यों तू चाहे जान गवानी रपट लिखा दूंगी मैं नंबरदार की छोरी कैद करा दूंगी गोरिये नैन तेरे मैं खाने पतले होठ तेरे पैमाने शराबी हम है बड़े पुराने पी के दिखा दूंगा राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा मैं राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा उसने कैसा कैसा है मेहमाना भरा है जहर से हर पैमाना पड़ेगा सब कुछ यहाँ लुटाना होश गवा दूंगी मैं नंबरदार की छोरी कैद करा दूंगी मैं राजा बनकर तुझको हीर बना दूंगा वाह 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 हीरे तो लाजवाब तो फिर इनकी कीमत लगाइए माल तो 30-35 लाख का है मगर चोरी का माल आधे दामों में भी नहीं बिकता फिर भी मैं 15 लाख दिए देता हूँ 15 लाख क्या बात कर रहे हैं साहब 15 लाख अरे पत्थर की कीमत लगा रहे हैं सेठ जी कम से कम 20 लाख देना होगा लेना लीजिए नहीं तो छोड़िए अच्छा भाई तुम्हारी बात मानता हूँ 20 लाख ही सही मिस्टर पाशा अब आप ये बताइए कि पेमेंट कब होगी पेमेंट इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए मुझे कुछ टाइम तो चाहिए ऑल राइट मिस्टर पाशा टेक योर टाइम पेमेंट की एग्जैक्ट डेट और टाइम बताइए देखिए आज संडे है नेक्स्ट संडे 31 दिसंबर है न्यू ईयर ईव मनाने के बाद सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ने से पहले 5 और 6 के बीच में पेमेंट यहीं हो जाएगी डन छोटे ये बियर हटाओ स्कॉच की बोतल निकालो प्रेम इससे पहले कि हम लोग पी के बेहोश हो जाएं इन हीरों को तिजोरी में रख हाँ चोरी के धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है
माल अंदर रखो और चारों चाबियां आपस में बांट लो। अरे भाई, ये चार चाबियों का क्या चक्कर है? पाशा साहब, हमारे पास एक ऐसी तिजोरी है जिस पर चार चाबियां लगाए बगैर वो तिजोरी खोली नहीं सकती। और जब तक आपसे रकम मिल नहीं जाती, ये हीरे उसी तिजोरी में रहेंगे। इसीलिए उस तिजोरी को खोलते वक्त हम चारों का बाहर रहना बहुत जरूरी। और अगर आप में से किसी एक की चाबी गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो? अरे भाई, एक की हो सकती है, दो की हो सकती है, चारों की तो नहीं हो सकती। और अगर हो भी गई तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे और तिजोरी का लीवर बदल देंगे। लेकिन नौबत यहां तक ना पहुंचे इसलिए हम लोग चाबियों को बहुत ही हिफाजत के साथ रखते हैं। अब मुझे देखे ना, अपने जलाओं के साथ बांध के रखता हूं। हाँ, और मैं अपने गले की चेन में और गॉड की सेफ्टी में। ओ, यानी क्रॉस के साथ। हाँ, ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। और पाशा साहब, मैं तो अपनी चाबी अंडरग्राउंड रखता हूं, यानी कि अपनी चट्टी के नाले के साथ बांध के रखता हूं। और मैं तो इसे अपने ब्रेसलेट के साथ लटका के रखता हूं, जिसकी हिम्मत हो वो ले जाए। ओह माय गॉड, चारों के पास एक एक चाबी है, और वो भी ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या, शैतान भी हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन गोपी चंद जासूस तो सांप के बिल में भी हाथ डाल के निकाल सकता है बेला जी। वो कैसे? वेरी सिंपल, उनकी चाबियां उन्हीं के पास रहेंगी। हमें तो सिर्फ चाबियों के निशान चाहिए और फिर डुप्लीकेट चाबियां बनाकर तिजोरी में से अपना माल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जनेऊ वाले मोटे सेठ का नंबर है। नारियल पानी, नारियल पानी, पास आओ ना सेठ, नारियल पानी पिलाऊंगी। सच कहती हूँ, ऐसा नारियल जिंदगी में ना चखा होगा। नारियल तो तेरे हरे भरे और ताजा, चल काट दे एक। कौन सा काटूं सेठ, पानी वाला या मलाई वाला? ये बात है, तो फिर जो तेरे मन में आए सो काट। चल सेठ, आज तुझे दोनों मजे देती हूँ, पानी भी पी और मलाई भी खा। नहीं, आज हम तीनों मजे लेंगे, पानी भी पिएंगे, मलाई भी खाएंगे और तुझे भी देखेंगे। हाँ। मजे भले ही तीनों ले ले सेठ, पर ये आंख मत मार, मुझे तो शर्म आती है। लेकिन तू भी तो बार बार यही मार रही है। मैं भी? ओहो सेठ, बात यह है, बचपन में मैं एक बार गिर गई थी, आंख के पास चोट लगी, तब से ये बीमारी लग गई। वैसे बीमारी बुरी नहीं, लेकिन तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। देखते कैसे सेठ, धंधा तो आज ही शुरू किया है और तू पहला सेठ है जिसने बोनी कराई। तेल मालिश करवा दीजिए हुजूर, तेल मालिश करवा दीजिए। अरे बाबा जाओ को दूसरा गा, हमें आराम से नारियल पानी भी दे दो। हुजूर आराम से पीजिए, मजे ले लेके पीजिए। अरे कौन नावाकूल आपके शक्ल में दखल अंदाजी करता है जानी, लेकिन एक दफा मालिश तो करवा के देखिए, शहंशाही औरंगजेब को भूल जाइएगा, तारीख में तो यही लिखा है। अरे बाबा कह दिया ना हमको मालिश नहीं करवा। हुजूर एक दफा मालिश करवा के देखिए, फूल से हल्के ना हो जाए तो आपका सर हमारी जूती। क्या? मेरी जूती आपका सर हुजूर। अरे भाई मालिश वाला तो रोज हमारे घर पे आता है। अरे सेठ, घर में तो घरवाली भी होती है, फिर भी अब तो मालिश करवा ही लो, इस बेचारे की बोनी हो जाएगी और तब तक मैं मलाई निकालती हूँ। हुजूर ये मलाई निकालती है और मैं। अरे बक बक मत कर, बिछा चटाई और निकाल। अभी अभी लीजिए, आइए आइए हुजूर, इधर तो आइए, देखिए तो ठंडक में लेटिए और गर्म हो जाइए। आइए हुजूर, निकालिए धोती कुर्ता और हो जाइए दराज। धोती कुर्ता? मेरा मतलब है सिर्फ कुर्ता। हुजूर। हाँ? मालिश मर्दाना कर दूं? मर्दाना वो कौन सी होती है? हाँ, हुजूर एक दफा मालिश करवा के देखिएगा, इस बुढ़ापे में 20 बरस के लौंडे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर वही करता हूँ। हुजूर जरा इधर पट्टी खा, इधर पट्टी। ये सब अब देखिए मेरे तेल का करिश्मा। हुजूर ये सब नवाब शाही तलिश्मे हैं। ये नाभि है ना जी, नाभि, ये नाभि में तेल जाना चाहिए। सेठ ये लो मलाई, जरा सर इस तरफ तो करो और इधर आराम से। इस तेल की तासीर क्या बताऊं आपको, एक मर्तबे शहंशाह शाहजहां ने करवाई थी ये मालिश। आपको तो फिर इसके बाद खबर ही है
कि मुमताज बेगम के लिए मकबरे ताजमहल बनाया गया था। हुजूर वाह वाह वाह, बस आप देखते जाइए, इसके बाद तो आप जवानी के वो मजे लीजिएगा, वो मजे लीजिएगा सेठ जी के, वाह वाह वाह। चार बुशर्ट, तीन पॉइंट, चार बनियाई और एक सूट मालिक इस तरी के लिए। बंसी काका, ये सूट प्रेस करके जल्दी ले आना, मुझे एक पार्टी में जाना है। अरे मालिक गए और अभी आए। अरे आला उदल बड़े लड़ैया, जिनकी मार सही न जाए, एक कुमारे दो गिर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। अरे आला उदल बड़े लड़ैया। बंसी काका, बंसी काका, जयराम जी की, पायलागन पायलागन पायलागन। अरे तू खड़ी खड़ी क्या सोचे था, जल्दी जल्दी यार बंसी काका का चरण छुओ। अरे तुम तो बीच में लाइन लगाए खड़े हो, हटो तो चरण छू। चल चल चल, ठीक है बैठो बैठो। भैया हमारी बात का बुरा ना ही मानना, हम तो हार को पहचानत नहीं। अरे पहचानोगे कैसे, बंसी काका तू हमके छोटे बेला में नंगा देखा है, अब तो हम धोतर पहन के आया है, ध्यान से उतर गया होगा। अरे हम तो हर गांव का है, आज ही काशी ट्रेन से आया है। हमारे गांव रामनगर से? अरे हाँ रामनगर से आया है, हम रामनगर के जो है ना भीषम पितामा, उनका लड़का है। भीषम पितामा? ये ससुर कौन हो है? अरे काका तो हर फूफा, अपने फूफा को भी भूल गए क्या? फूफा? हमारी कोई फूफी नहीं तो ये फूफा हरामखोर कहां से पैदा हो गवा? अरे लुभाया जी, तुम बुद्धू के बुद्धू रहे। हा? हमार फूफा को काका के फूफा बनाए दिन। अरे अरे अरे, 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 अरे। हम समझावत है काका, तोहार घर के सामने एक गली, वो गली में कुआं, उन कुएं के पास एक पीपल का झाड़। पीपल का झाड़, जहाँ बनारसी दास रहे थे। हाँ बनारसी दास, बनारसी दास, हम ऊकी औलाद है, हमारा नाम राम लुभाया है। जिनकी जौनपुर में लॉन्ड्री की दुकान है। हाँ, अब क्या हुआ? वो तो शादी ब्याह भी ना ही किए, सारी उम्र कुंवारे रहे, फिर तू ससुर उनकी औलाद कहाँ से टपक पड़ा? काका ई तो को बराबर समझा नहीं पावत है। ई उके लड़कवा जैसन है। अच्छा, हमार ससुर जी ने ई को गोद ले ली। ई उके साले के सौतेले भाई के भैनुई के मुंह बोले लड़कवा है। साले के सौतेले भाई के, सब समझ गया, तू काली चरण का लड़कवा है। काला चरण। पर भैया एक बात बताओ, काली चरण तो भैंस की तरह काले रहे, तुम गाय की तरह इतने गोरे कहां से निकल आए? अरे का बताएं तो के काका, ई हमारा जोरू है ना लच्छोरानी, रोज सवेरे गंगा घाट पे 501 साबन लेके घस घस के घस घस के घस घस के सफेद कर दिया। अरे हटो जी, का बक जात हो, शर्म नहीं आवत है? अरे काका के सामने किस बात का शर्म है, चल छोड़ो जी, काका का सामान तो दो। काका ये असली घी लाए हैं तुम्हारे वास्ते, और सत्तू भी लाए हैं, और जौनपुरी तंबाकू भी लाए। ये सब की क्या जरूरत है? अरे हाँ, तुम्हारे बातन में हम एक जरूरी काम भूल गए, हमका शेष का सूट देवे जाए के है। अरे तू क्यों तकलीफ करता है काका, ये है ना लच्छो, ईदे आएगी, अरे गाँव में भी तो यही कपड़े देने जाती थी। बेटा तू भी क्या याद करेगा, आज तेरे सूट में ऐसा खुजली का पाउडर डाल रही हूँ कि पतलून तो क्या तेरी चड्डी भी उतर जाएगी। बंसी काका बुड्ढा हो गया, एक सूट प्रेस करने को दिया था, अभी तक नहीं लाया, न जाने इतनी देर क्यों कर दी। वो बुड्ढा हुई गवा तो का हुआ, हम तो जवान हैं, ई लो तो हार सूट। पर तू है कौन? मैं हूँ लच्छो धुबनिया, बंसी काका की भांजी। बंसी काका की भांजी, पर तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अरे देखते कैसे सेठ, आज ही तो आई हूँ मुलुक से, काशी एक्सप्रेस में बैठकर। अच्छा, पर तूने इतना लंबा घूंघट काहे को कर रखा है, इसे तो खोल दे। घूंघट ना ही खोलूं सेठ, गांव में सहेलियां कहत है शहर वाले बड़े खराब होते हैं, पूरी नजर से देखते हैं। लच्छो
ये बात तो जरूर है कि मैं शहर का आदमी हूँ, लेकिन अच्छी सूरत पर बुरी नजर नहीं डालता हूँ। कौन दे घूंघट? अच्छा ये बता, मुंह दिखाई का दोगे? मुंह दिखाई का? हाँ, हमारे गांव में जब कोई पहली बार मुंह देखा थे तो 11 रुपया देते थे, कोई 51 देते थे, और जौन कोई तुहार जैसा सेठ हो तब तो माल ही माल। ये तो घूंघट उठाने के बाद ही मालूम होगा कि तुम्हारी मुंह दिखाई की क्या रकम होनी चाहिए। अच्छा ये बात है, तो लो ये देखो। ला हमार मुंह दिखाए। अरे तुझे तो बहुत बड़ी रकम मिलनी चाहिए। ये लो 100 का नोट। 100 का कड़क नोट? ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, बहुत जल्द मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हमारी गाल को छू लिया, हमका तो बहुत शर्म आवत है। अरे अब हमसे भला काहे की शर्म? सुन, कल से तू ही कपड़े लाया कर, तू ले जाया कर। हाँ। मामा से पूछी, सिर्फ 100 का नोट दिए थे और रोज कपड़े लेने बुलावत है। अरे लच्छू, मामा से भला ये बात करने की क्या जरूरत है? और सुन, ये 100 का नोट भी तू अपने पास ही रखना, मामा को भी देना। हाय दैया, आज पहला दिन और 100 का नोट मेरे लिए? अच्छा सेठ, ये खुशी में आज ये सूट मैं अपने हाथों से त्योहार को पहराऊंगी। तू मुझे सूट पहनाएगी? हाँ सेठ, भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़े पहनाना बड़े पुण्य का काम होता है। चल बैठ जा, मैं पहराती हूँ। ये पैसन से मैं लिपस्टिक खरीदूंगी, लाली खरीदूंगी, चूड़ियां खरीदूंगी। अरे मेरी जान, जो जी में आए खरीदना। ये लो तोहार कोट। अच्छा अच्छा, आई 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 आई। अरे ये का करे थो सीट, आज तो पहला दिन है। पहला दिन है ना, आखिरी दिन तो नहीं। सच मानो तो तुम पहले मर्द हो जिसने हमका गले से लगाया। इससे पहले सिर्फ हमारी माँ ने हमका गले से लगाया था। अच्छा, तुम पहला आदमी हो क्या? हाँ सच, बिल्कुल सच। मैं जाऊँ, मैं कल फिर आऊंगी। अरे कल काहे को, आज रात को। आज रात को? हाँ, आज रात को तुम लोगों का शिवरात्रि का त्योहार है ना, मैं भी आऊंगा, वही मिल जाना। हाँ जरूर, वही मिल जाऊंगी। कुछ कर रहे का सेठ? अरे ये झटके का मारत हो सेठ? क्या करत हो सेठ? मुझे कुछ नहीं हो रही, क्या करत हो? वहां पहुंच गया, उसका पांव साबुन पे पड़ गया और निशान मिट गया। कोई बात नहीं, बंसी काका ने बताया है कि आज रात शिवरात्रि का त्योहार है, खूब भांग घुटेगी। ये चड्डी मास्टर भी वहां आएगा, भांग में थोड़ा सा जमाल घोटा मिला देंगे, चड्डी आउट। अरे
की लकियां में भंग हमें दे दे रंग हमें दे दे उमंग हमें दे दे रे छोटी सी की लकियां में भंग हमें दे दे रंग हमें दे दे उमंग हमें दे दे रे छोटी सी उमरिया हमें प्यार हमरा ले ले दुलार हमरा ले ले संसार हमरा ले ले रे देख देख तू हमें आँख में कहा अरे झुमका लगेगा तो झुमका गिरेगा झुमका गिरा तो आशिक मरेगा मरते हुए को तू जान जरा दे दे जान जरा दे दे जान जरा दे दे रे किसी की लसिया में भंग हमें दे दे रंग हमें दे दे उमंग हमें दे दे रे जीवन में साथ हमें दे दे हाथ हमें दे दे रात हमें दे दे रे किसी की लसिया में भंग हमें दे दे रंग हमें दे दे उमंग हमें दे दे रे लाली और पतन ने खूब कयामत खाई भगदड़ मच गई शोर मच गया लच्छोरानी आई लच्छोरानी आई बाबा लच्छोरानी आई गुजरिया तू प्रीत हमें दे दे प्रीत हमें दे दे प्रीत हमें दे दे रे छोटी सी उमरिया हमें प्यार हमरा ले ले दुलार हमरा ले ले संसार हमरा ले ले छोटी सी लसिया में भंग हमें दे दे रंग हमें दे दे Thank you.
बजने वाले हैं, वो आता ही होगा। साहब जी, जोरदार एक्टिंग हो जाए। अरे ऐसी जोरदार एक्टिंग करूंगा कि वो बिल्कुल लुलू बन जाएगा। अरे लगता है वो आ ही रहा है। शुरू हो जाइए आप, शुरू हो जाइए। अरे देखता हूँ मैं, कौन तुझे बचा सकता है मेरे हाथों से? अरे आप तेरी ताली का कौन है तू तुझे बचाने के लिए? बाबूजी, ये गुंडा मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये हिम्मत, मैं यहाँ का दादा हूँ, हट जा मेरे रास्ते से वरना गाजर मूली की तरह फेंक कर काट दूंगा। क्या समझता है तू अपने आप को? है तू इस तरह नहीं मानेगा। बाबूजी, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। एक एहसान और कर दीजिए, मुझे वीटी स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। वीटी स्टेशन? जी हाँ, मैं पूना की रहने वाली हूँ। अपने मामा से बम्बई मिलने आई और यहाँ पता चला कि वो नागपुर चले गए हैं। मगर पूना की ट्रेन तो सुबह जाती है। जी हाँ। ऐसा कीजिए, रात को मेरे बंगले पे ठहर जाइए। आपके बंगले पे? हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। आप ही ने तो मेरी इज्जत बचाई है, आपसे काहे का डर। आइए आइए, देखिए आप बहुत भीग गई हैं, कपड़े बदल लीजिए नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। लेकिन मेरे पास दूसरा कुछ है नहीं, बदलूं क्या? कोई बात नहीं, ऊपर मेरा बेडरूम है, जो पसंद आए पहन लीजिए। नीचे मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जी शुक्रिया। ओके, व्हाट ए गुड लक, मछली अपने आप जाल में फंस गई। बारिश में भीगने से बहुत सर्दी लग गई। कोई बात नहीं, इसका इलाज मेरे पास है। जी नहीं शुक्रिया, मैं तो नहीं पीती। ठंड लग जाए तो ये दवा का काम करती है, थोड़ी देर में सारा जिस्म गर्म हो जाएगा। टेक इट, टेक इट, कम ऑन, चीयर्स। लेकिन आपका गिलास तो खाली है। ओह आई एम सो सॉरी। मैं बना देती हूँ। व्हाट ए गुड आइडिया। क्या सोच रही हैं? हाँ, सोच रही थी इसे पीने के बाद कहीं बहक न जाऊं। बहक गई तो संभालने के लिए मैं जो हूं। लीजिए पीजिए, कम ऑन। ओह कड़वी है। पहला घूंट है ना, इसलिए कड़वी लग रही है, थोड़ी देर बाद हर घूंट मीठा लगेगा। लीजिए, मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गया, क्या नाम है आपका? बता दूं? हाँ, मेरा नाम है शन्नो रानी। ओ मेरा नाम है शन्नो रानी। हाँ नाम बताए कैसा है,
नाम बताइए कैसा है मेरा नाम है शनूरानी है मेरा नाम है शनूरानी शनू देखता हूं कौन बदतमीज हमें डिस्टर्ब कर रहा है।
इसको दरवाजा। इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ। कहिए क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। हमें खबर मिली है एक लड़की जो नासिक जेल से भागी है उसे आपने अपने घर में पना दी है। मगर इंस्पेक्टर साहब आपको गलत खबर मिली है, मेरे यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए वरना इंस्पेक्टर साहब फिर से मुझे जेल में डाल देंगे। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ए मिस्टर, ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है और आप कहते हैं आपके घर में कोई लड़की नहीं है। मगर इंस्पेक्टर साहब मुझे क्या पता कि ये जेल से भागी हुई है, मैंने तो इसे एक गुंडे से बचाया जो इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज अगर भाई साहब ना होते तो न जाने क्या हो जाता। हाँ पूछ लीजिए ना बहन जी से। हमें तुम्हारी बहन से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि तुमने एक मुजरिम लड़की को पना दी है, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब कसूरवार मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए, मुझे फिर से जेल में डाल दीजिए, लेकिन भाई साहब को माफ कर दीजिए, ये बेकसूर है। प्लीज इंस्पेक्टर। ऑलराइट, लेकिन याद रहे आइंदा इंस्पेक्टर सेना की जुरिसडिक्शन में किसी लड़की को पना नहीं देना, समझे? जी जी जी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपका सरनेम तो भोसले लिखा हुआ। यस, शत्रुघ्न भोसले। आई सी। लड़की भाई साहब जेल में मिलने आएंगे ना? जरूर जरूर मिलने आऊंगा बहन जी। वो देखिए अकेला ही बैठा है, इससे पहले कि वो तीनों आ जाए अपना काम हो जाए। क्यों तुम्हारी? हेलो हेलो, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? डांस? और मेरे साथ? जी हाँ, इतने बड़े क्राउड में सिर्फ आप ही मुझे अकेले नजर आए, और इत्तेफाक से आज की रात मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। देखिए ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी हसीना ने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन माफ कीजिए मुझे तो डांस करना आता ही नहीं। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, देखिए एक हाथ में हाथ और दूसरा हाथ मेरी कमर पे, लेकिन यहाँ नहीं डांस फ्लोर पे चलिए। फ्लोर पे चलिए चलिए चलिए। यार अभी तक तो छोटू नहीं है। अरे भाई वो पाशा के बच्चे को लाने गया होगा। आइए। आ गया जी। एक हाथ ऐसे ऐसे और एक हाथ कमर पे। आए। अच्छी तरह पकड़िए ना। हाँ हाँ। बेला जी आज आपका काम पूरा हो जाएगा और मैनेजर साहब मेरी फीस दे देंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप मेरे 60 पैसे देने ना भूलिए। हाँ हाँ दे दूंगी, यहाँ से तो चलिए। हाँ चलो चलो। बड़े भूत बंगले में ये कैसे पता चलेगा कि तिजोरी कहाँ रखी है? आप फिक्र मत कीजिए बेला जी, मेरे पास ये जासूसी आला है ना, ये बताता है कि भारी से भारी लोहा किस तरफ है, अभी पता चल जाएगा। तिजोरी लोहे की होती है ना, ये देखिए। देखिए सुई साफ बता रही है तिजोरी उस तरफ है। मैंने क्या कहा था, मेरी मशीन कभी फेल नहीं होती। लाओ चाबियां, चाबी नंबर 1। चाबी नंबर 2। नंबर 3।
नंबर फोर। शायद कोई आ रहा है। लाओ भाई आपने अपनी चाबियां लाओ। पहले से ही खुला है। अच्छा तो ये भी खुला है। बिल्कुल वही, बिल्कुल असली। आप भी अपना माल गिन लीजिए, पूरे 20 लाख। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं पाशा साहब? माल गिनने की क्या जरूरत है? आपके साथ पहली बार बिजनेस कर रहे हैं क्या? अच्छा, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग। सौदा पट गया। What a lucky year 1981। और अब इस खुशी में इस रकम के 4 बराबर से हो जाने चाहिए। नहीं, फैसला ये हुआ था कि रकम का आधा हिस्सा प्रेम को दिया जाए और बाकी आधे में हम तीनों बराबर हिस्सेदार हों। फैसला ये जरूर हुआ था, लेकिन जो हरकत तुम लोगों ने मेरे साथ की उसके बाद में तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये सारा माल मेरे अंकल का था और इस माल का मालिक सिर्फ मैं हूं। ये सही कि सारा माल तुम्हारे अंकल का था, लेकिन उसने तुमको नहीं दिया। ये हम सब की मेहनत का नतीजा। हम सब ने मिलकर उन डायमंड्स को बैंक के लॉकर से चुराया है। और फिर उन्हीं डायमंड्स को चोरी करने की कोशिश भी की। तिजोरी को खोलने से पहले उसके तीनों लिवर खुले हुए थे। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि चौथा लिवर तुम लोग खोल नहीं पाए। कल तक तो दोनों हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर देते हैं और आज आंखें निकाल रहे हैं। तुम्हारी नियत खराब हो गई। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अभी 20 लाख की रकम का बंटवारा हम तीनों में होगा। तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अबे और चूहे के बच्चे, बैग इधर वापस कर, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अबे जा, ये गीदड़ भपकी किसी और को दिखाना। चलो जी। आराम जादो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये लड़की के चीखने की आवाज, इसका मतलब है यहाँ कोई और भी मौजूद है।
एक तरफ लच्छो धोबन और दूसरी तरफ बैंक का मैनेजर। अच्छा अच्छा, तो ये लच्छो धोबन नहीं कोई और है। कोई बात नहीं, कमाल किया भाई। जरा आगे सुनो, वाह वाह, आगे सुनो। मुझे देखते ही डाकू कबर सिंह भागा और डरता हुआ बिल्ली की तरह दरख्त पे चढ़ गया। मैं शेर की तरह दहाड़ा, वाह। ये हमें देख कर क्यों ठिटका? चोर की दाढ़ी में तिनका। टलीराम होशियारपुरी, हो जाओ होशियार। मैं तो हमेशा हूँ तैयार। हाँ, कहाँ चला गया, मुझसे बात भी नहीं की। ओ माय गॉड, तू अच्छे आदमियों को दुनिया से क्यों जल्दी उठा लेता है? अंकल, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? अंकल आप लोग मुझसे चाहते क्या? चतुराई और हमसे, आप हमको देखकर क्यों भागा? इसलिए हमारे दिल में शक जागा। हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आपकी तलाशी लेना चाहते हैं। तो ले लो। ठहरो, तलाशी पीछे से नहीं आगे चली जाती है। आगे चले। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, भूलोगे सरकार। माफ करो यार, जाइए जाइए। अच्छा चला, माता मनाइए। अंकल, हमेशा शरीफ आदमी पे शक करते हो। इसीलिए तो 17 साल से हवलदार का हवलदार हूँ, तरक्की नहीं कर सका। मगर आज का किस्सा साफ से मत कहना। बिल्कुल नहीं कहूंगा। हाँ, मेरे पीछे चलो 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 चलो। आप लोगों ने कॉफिन को बंद कर दिया? मुझे तो अपने अंदर काफी बार मुंह देख रहा था। हम डेड बॉडी को ज्यादा देर नहीं रख सकते, हमें इसे गोवा लेके जाना है। जी, मिस्टर पिंटो की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें अपने गाँव ओल्ड गोवा के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए। एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है, सूरज निकलते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है।
50 लाख के हीरे मिस्टर पिंटो के कॉफिन में। हीरे मिस्टर पिंटो के कॉफिन में? हाँ, मैं मरते वक्त झूठ नहीं बोल रहा। मिस्टर पिंटो का कॉफिन ओल्ड गोवा के कब्रिस्तान में। हाँ? ए मिस्टर ओ माय गॉड, ये तो मर गया है और हीरे ओल्ड गोवा के कब्रिस्तान में। तुमने ये राज की बात सुनी? तुम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, गूंगे और बहरे हो, इसका मतलब है तुमने ये राज की बात नहीं सुनी। ठीक है, आओ आओ, इसको पुलिस स्टेशन पहुंचा देते। और फिर डैडी, उसने एक एक करके अपने तीनों साथियों का खून कर दिया। हेलो 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 हेलो, इंडियन एयरलाइंस। हाँ, क्या कहा? कोई भी टिकट नहीं मिल सकता अगले हफ्ते तक। थैंक यू। लेकिन मेरा तो आज ही गोवा जाना बहुत जरूरी है। तो स्टीमर से चले जाओ मिस्टर गोपीचंद, स्टीमर भी रोज जाते हैं बंबई से। टिकट का इंतजाम मैं करवा देता हूं। डैडी, अब इन नोटों का क्या किया जाए? बेटी, नोट तो सारे के सारे ही नकली हैं, फिर भी रख लो, शायद एविडेंस में काम आ जाए। हाँ, ठीक है। और देखिए बेला जी, आप घर से बाहर मत निकलिएगा, आपकी जान खतरे में, समझिए आप? आओ बेटे, दरवाजा बंद कर लो। लक्ष्य धवनिया बनकर हमें धोखा देने आई थी। तुम अपने नोट लेने आए हो ना? इन्हें ले जाओ, सारे ले जाओ। अच्छा। मैंने इन्हें यहाँ तक नहीं लगाया। अच्छा, नकली नोट मैं ले लूं और तुझे जिंदा रहने दूं? मैंने सब सुन लिया, तुझे तो मर। क्या बकते हो? बकता नहीं, फरमाता हूं। ये वो जादुई बक्सा है जिसमें जिंदा लड़की को बंद करके तलवारों को आर पार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आर पार। तो क्या इन तलवारों के आर पार करने से लड़की मर जाती है? अगर लड़की मर जाए तो हमें फांसी नहीं हो जाए? यही तो इस बक्से का कमाल है। तलवारें चलती हैं पर लड़की जिंदा रहती है। और ये शो दिखाने आज हम गोवा जा रहे हैं। इस लड़की का जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। अरे, आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप भी कोई जादूगर हैं? नहीं, दरअसल मैं भी आज ही गोवा जा रहा हूँ और कल मैं आपका ये शो वहां देख सकूंगा। असिस्टेंट। यस सर। इनको फ्री पास इशू कर देना। ओके सर। थैंक यू। अरे राम रोकड़ा, इधर भी ये थोबड़ा, वहां तो इसको गुंगा बैरा बनकर बना लिया था, अब I'm gonna make you mine.
इस बक्से को अगर समंदर में फेंक दिया जाए तो लड़की हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लगता है इस बक्से ने आप पर कुछ मिसमेरिज्म कर दिया है, इसीलिए बार बार आप खींचे खींचे इसी तरफ चले आ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर, इस बक्से के अंदर हमारे धंधे का राज है, अगर पाश हो गया तो फिर हमारा शो देखने कौन आएगा? क्यों शर्मिंदा करती हैं? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे हसीना हमसे। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन तुम हमको ऐसा काय को देखता है? हमको शायद लगता नहीं। मैंने आपको कहीं देखा है। आई सी, तुमने हमको हमारे भाई को जो डेफन डम उसको देखा होगा, जो गुंगा और बहरा है। यस। ताज्जुब है, आप दोनों की सूरत एक जैसी है। नॉट दोनों, तीनों। तीनों? हाँ, तीनों की शक्ल एक जैसा है। तीसरा भाई? हाँ, हम धाक ब्रदर को गोवा गोइंग टू गोवा टू मीट। गोवा में? यस। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मैडम, मुझे गोपीचंद कहते हैं। यस। हमको लिली डी सिल्विया, मिस लिली डी सिल्वा, मिस मिस मिस। आप यानी कि आप अभी तक शादी नहीं किया? शादी तो कई बार बनाया, मगर हर बार हमारा हनीमून में हमारा हस्बैंड का हार्ट फेल हो गया। बड़े अफसोस की बात है। तो आप फिर क्यों नहीं शादी कर लेती? एडवाइस तो सब करता है, शादी कोई नहीं करता। तुम कर लीजिए। मैं? आई प्रॉमिस यू, हनीमून में तुम्हारे हार्ट फेल बिल्कुल नहीं होगा। वेरी स्वीट हनीमून। नहीं, मुझे माफ कीजिए। नहीं, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी। मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी। बात सुन ले तू मैडम, जरा गौर से, जरा गौर से। बात सुन ले तू मैडम, जरा गौर से, जरा गौर से। प्यार कर ले तू जाकर किसी और से, किसी और से। जिसको अच्छी लगे ये जवानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी।
छूटने के बाद एक हफ्ते के बाद मैं भी छूट गया था। लेकिन ये तो बताओ इस औरत के ड्रेस में तुम कौन सा नया चक्कर चला रहे हो? माय डियर, चक्कर तो 50 लाख का है, मगर चक्कर के अंदर घन चक्कर है वो कुर्सी पे बैठा छोकरी के साथ। ये लड़की मोटू के साथ? ये साली जादू के बक्से से बाहर कैसे आ गई? मिस्टर चोपड़ा। यस मिस्टर चोपड़ा। 50 लाख हासिल करने के लिए इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। गुड आइडिया, मगर लड़की को क्यों? ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अब सॉरी, अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, इन दोनों को खत्म करने के लिए तरकीब क्या होगी? फार्मूला 44, बोथ विल बी नो मोर। और उस खूनी से बचने के लिए मैं बक्से के अंदर छुप गई। बक्सा बाहर से इस तरह बंद हो गया कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी खुल ना सका, और इस तरह मैं इस जहाज पर पहुंच गई। खूनी कहां गया मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसा लग रहा हूँ मियाँ? माशाल्लाह खोटे नवाब लग रहे हो। बाबा क्या बात है, चलो अरे भूखा नीचे कर। ओ, करता हूँ कर दूँगा, मैं तो करती हूँ। अरे ध्यान से चलो। आधा बरसे है तू, आधा बरसे। आधा बरसे, आधा बरसे। बेगम आदाब करो। आदाब। जनाब मुझे नवाब करीम अली खान कहते हैं, ये मेरी नई बेगम है। दरअसल हमारा निकाह केवल एक हफ्ता पहले हुआ, हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। हेलो मियां। बहुत शर्माती है अभी। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके रंगीन ख्यालात में दखल अंदाजी की माफी चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि हम पहली मरतबा गोवा जा रहे हैं, इसलिए आपसे सिर्फ ये पूछना था कि वहाँ कौन से होटल में कैंप पजीर किया जाए। होटल तो वहाँ बहुत है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 9 स्टार, लेकिन आप दोनों के लिए इस्माइली मुसाफिर खाना खूब रहेगा। मियां हर वक्त दूसरों से बातें करनी थी, तूने मेरे से शादी क्यों की? बेगम हम तो तुम्हारे साथ है मेरी जान। अरे बाबा क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर। हजूर आप भी तो आइए, आइए आइए, इधर आइए हजूर, इधर आइए, ये देखिए, वाह वाह मोहतरम आप भी तो आइए। माशाल्लाह आपकी भी दूसरी नहीं है। मुबारक हो भैया, अब तो गोवा जाते ही 50 लाख के हीरो के मालिक हम दोनों बन जाएंगे। 25 लाख फ्रॉम मिस्टर ओकरे, 25 लाख फ्रॉम मिस्टर चोपड़ा, और वो भी चोरी के। गुरुजी, अबे क्या है? चोरी के हीरे पूरे 50 लाख के। 50 लाख के? अबे कहाँ? गोवा में। चुप, कुछ मिलेगा, चल मेरे साथ। सलाम साहब, किधर जा रहे हैं? ऑल गोवा, जल्दी चलो। ओके साहबा, चलते हैं। मैं कहाँ जाना है साहब? उस टैक्सी के पीछे, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे आ जाओ पीछे बैठ जाओ, साड़ी प्राइवेट टैक्सी है। अरे हाँ, जल्दी बैठो। अरे ड्राइवर जल्दी चलो, टैक्सी का पीछा करो। शाम की शो का क्या होगा? अरे बुरी बारू शो को वहां क्या मिलने वाला है? यहाँ तो लाखों का मामला है। लाखों का? तू चुप रह, चीज़ लगा ही चला। अच्छा साहब, अगर कहीं ये पैसा मेरे हाथ लग गया ना तो गांव में जाके शादी कर लूंगी। चुप रह, तुम लोगों की शादी नहीं होती। पैसा पास में हो ना,
तो सब कुछ होता है। हाँ साहबा, आपको ओल्ड गोवा में किधर जाने का है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हमारे अंकल का डेथ हुआ ना। अच्छा अच्छा। लगता है ये टैक्सियां हमारा पीछा कर रही है। क्वाइट पॉसिबल, देख लेते हैं। ड्राइवर, एक टैक्सी बाजू में लगाओ, एक पीछे वाले को आगे जाने दो, अपन पास बहुत टाइम है। देखा, मेरा ख्याल ठीक था ना? यू आर राइट, फर्स्ट टाइम यू भेजा इज ब्राइट। अरे देवी, ये चक्कर क्या है? हाँ हाँ, लाखों का चक्कर है, जब मिल जाएगा तो सब बता देंगे। ड्राइवर, गाड़ी स्पीड से चलाओ। हरिया तक साला हमारा पीछा कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना ड्राइवर, ये इधर से पीछा छोड़ने का रास्ता नहीं। कुछ गड़बड़ है क्या साहबा? अरे गड़बड़ क्या है कि ये लो 100 करोड़, शाबाश, जल्दी करो शाबाश। अभी ऐसा जंगल का रास्ते से ले चलता हूँ, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। गुड बॉय। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग बच गए। अब फिक्र इस बात की है कि वो लोग गोवा पहुंच गए होंगे और हम लोग अब तक यहीं हैं। अरे बेला जी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा, बस उस पर भरोसा करके चल पड़िएगा। चलिए। अंकल पिंटू, तू क्यों चला गया छोड़ के ये अपना छोटा सा चिंटू? अंकल, तुम्हारा गुड बाई के टाइम पर हम तुम्हारा हैप्पी हैप्पी थोबड़ा भी नहीं देख सका। अंकल, तुम्हारा थोबड़ा इधर है या इधर है? अरे वो चिंटू की औलाद। क्या बे? यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, सब चले गए। चले गए। अब सोचना यह है कि इसमें से हीरे कैसे निकाले जाए। अबे जैसे कफन निकालते हैं, कवर खोद कर। कवर खोदनी पड़ेगी? अबे 50 लाख के हीरो के लिए कवर तो क्या, पहाड़ भी खोदना पड़े तो खोदेंगे। उन साहबा, तुम दिन का टाइम कोई कवर खोदने को ट्राई करेगा ना, तो सीधा जेल को जाना पड़ेगा। मिस्टर चोपड़ा। यस मिस्टर रोकड़े। थर्ड पार्टनर, गिव सम एडवांस। अब इसका मूवी बंद करना पड़ेगा। ये लो 100 रुपए का नोट। आप जाओ, ऐश करो, गुड बाय। जाओ जाओ। नहीं साहब, ये 100 रुपए में बात नहीं बनेगा साहब। क्या है? ये लाखों का मामला है ना, तो आप उनको भी हजारों में तो मिलना मांगता है क्या? ही राइट, आवर पोजीशन वेरी टाइट, गिव मोर एडवांस। देखो भाई, हम तुम्हें पूरा 1000 रुपया देगा। अब तुम सिर्फ हमें ये बताओ कि ये कब्र कैसे खोदी जाए। क्या है साहब, अपन रात का अंधेरा में आएंगे ना, तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा है? फिर आराम से काम कर लेगा। क्या क्या मिस्टर चोपड़ा? यस मिस्टर चोपड़ा, ही इज वेरी राइट, वी कम बैक इन द नाइट। तुम यहां? हम बंगाल के जादूगर हैं, जो कि जिंदों को मुर्दा कर सकते हैं और मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिंदा कर सकते हैं, समझे? तो फिर इस चिंटू के अंकल पिंटू को डेड बॉडी से एवरीबॉडी कर दो। हम तुम्हारे अंकल को कब्र से जिंदा निकाल देंगे और साथ में 50 लाख के हीरे भी। मिस्टर चोपड़ा। यस मिस्टर चोपड़ा। इन्हें सब कुछ कैसे मालूम होगा? पार्टनर नंबर 4, निकालो 100 का नोट और
ये लो 100 रुपए और जाओ, फुट जाओ, फुट जाओ। 50 लाख में से सिर्फ 100 रुपए, हम 10-10 हजार से कम नहीं लेंगे। और हम तीन रिश्तेदार हैं, मैं चौथा कहाँ जाऊंगा? अरे भाई झगड़ा मत करो, सबको 10-10 हजार रुपए मिल जाएगा। चलो पहले कब्र की खुदाई शुरू करो, चलो। पेट्रोल खत्म हो गया। कौन है तुम? हाय हाय, हमें नहीं जानते, हमें तो सारी दुनिया पहचानती है। ऊंची ऊंची दुनिया के दीवारे तेरा छोड़ के मैं आई रे। क्या हाय हाय, तुम तो 50 लाख के मालिक बन रहे हो, हमें भी तो बधाई में हिस्सा मिलना चाहिए। पार्टनर नंबर 5, 100 का नोट 1-1 बाई। ठीक है ठीक है, ये लो 100 का नोट। अब तुम तो बनते 50 लाख के मालिक, हमें दे दो 100 का नोट, हम तो लेंगे 10 हजार। हाय हाय 10 हजार, हाय हाय 10 हजार। ठीक है, तुम लोगों को भी 10-10 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। चलो शुरू हो जाओ, चलो काम शुरू करो। काम कैसा? हाय हाय काम कैसा? हाय हाय काम कैसा? गिली 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 चुप, जल्दी करो, हरी अब जल्दी खुदाई करो, माल निकालो। साहब जी, यहाँ तो पूरी फौज है। अरे बेला जी घबराइए नहीं, मेरी सुनिए। साथ रहकर तुम भी नंबर 6 पर फिक्स हो गया है भूत।
रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के लिए डरने का नाटक कर रहे थे क्यों मिस्टर चोपड़ा? यस मिस्टर चोपड़ा, हम फूल है मगर डैम फूल नहीं है। लेकिन चोपड़ा साहब, हाथ नीचे करूं तो बैग दूं ना? हैंड नीचे, हैंड बैग ऊपर। हैंड नीचे, हैंड बैग ऊपर। कपड़े बदलेंगे? ये कोई भूतनी भूतनी नहीं, इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। अरे अरे, इन लोगों को जाने में दो। ये लोग कब आके इनके पास है? अरे,
नीचे फेंक दो वरना इस लड़की को गोली से उड़ा देंगे। शॉट शॉट है? नहीं नहीं नहीं, गोली वोली मत चलाओ। बैग तो क्या, मैं खुद ही आता हूं। ये दो लड़की पे गोली क्यों चलाते? छोड़ दे लड़की को। ठहरा, इस पिस्तौल में तो गोली ही नहीं है। जल्दी से गाड़ी ले चलो। बेला जी, आप जल्दी से मेरा जूता पहन लीजिए। अंधा होकर गाड़ी चलाता है, मेरे सारे भोपले तोड़ दिए, मेरा सौ का नुकसान कर दिया। अरे हाँ हाँ, तो सौ का नोट तो रो रहा है हमसे पूछ, जिनका हजारों का नुकसान हो गया है। हटा गाड़ी। ए, पीछे हटो, ये क्या है सब लोग रखा है? What is this? रास्ता कैसे खाली करूं? इन्होंने मेरे सारे भोपले तोड़ दिए, पहले मेरा नुकसान करो। रोको रोको, अरे हीरो का बैग इन्हीं के पास है, रोको। रन रन। ये लो। मरा नहीं, नहीं। बैठ चाहिए। ये लो। तुम फिर आ गए? मैडम अपन आधा आधा करेगा। पूरा ले लो। सॉरी मिस्टर चोपड़ा, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। मेरे तो सब कुछ निकल रहा है। अबे ओ सूरदास, ये साला मोटा आंखों में क्या डाल गया है? कुछ कर। क्या करूं, कुछ नजर आए तो करूं। जिसके पास हीरे मैं तो सबके जाऊं, हम उसके गुलाम। हाँ कौन सी काली लग रही है कि लाल लग रही है? इन लोगों को देखकर लगता है जैसे कि इनकी मां मर गई है। और इन लोगों को देखो, पैसे की लालच में इंसान हैवान बना हुआ है। मिस्टर चोपड़ा, है रुकना। आई कैन सी लिटल लिटल। क्या? बोलो। एक मोटा, दो छोटा छोटा। फाइटिंग फाइटिंग। यहाँ तो माहौल कुछ दूर है।
ये लीजिए मैनेजर साहब, आपकी अमानत। आपने मेरी इज्जत रख ली गोपीचंद जी, बताइए अब आपकी फीस क्या होगी? मेरी फीस तो 500 रुपया है, लेकिन आधी फीस के हकदार तो बेला जी हैं। आप ऐसा कीजिए, 250 रुपया बेला जी को दे दीजिए और 250 मुझे। हा? नहीं नहीं गोपीचंद जी, आपको पूरे 500 रुपये मिलेंगे और बेला की फीस मैं इसे इसकी शादी पे दूंगा। और देखिए आप इसकी शादी पे आना मत भूलिएगा। नहीं नहीं नहीं, जरूर आऊंगा। मुबारक हो मैनेजर साहब, आइए। और सेठ हरी राम जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, ये है उसके कागजात और ये है उनके बैंक के लॉकर की चाबी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेला, तुम मेरे लिए कितनी लकी हो। सगाई की बात चली तो सिंगापुर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और शादी हुई तो करोड़ों की जायदाद मिल गई। आप मेरे 60 पैसे देना भूल गई हैं। अरे कोई बात नहीं, आप दुकान पर आएंगी ना, मैं वहां ले लूंगा आपसे। लेकिन दुकान तो मैंने बेच दी। बेला जी तो दुकान बेच गई, लेकिन ब्यूटी पार्लर तो है। देखते हैं नई मालकिन कैसी है। फिर पहुंच गया। गोपीचंद जी, जासूस जी, कहाँ हैं आप? नया कस्टमर। मैडम मैडम, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आया।